हेलो अमेजिंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रसाद है और ये मेरी वाइफ स्वाति। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जैसा कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। हम लोग प्लान कर रहे हैं इस साल से बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स करने का, और इसके पहले काफ़ी सारे ट्रिप्स हो चुके हैं हमारे। हमारा सिंगापुर हो चुका है, श्रीलंका हो चुका है, ओके, और दो तीन और कंट्रीज़ हो चुके हैं। इंडिया में भी काफ़ी जगह पे घूम चुके हैं, लेकिन कभी उसका वीडियो नहीं बनाया, ओके। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, हम दोनों ये सोच रहे हैं कि अभी इतना सारा इंडिया घूमना है, बहुत सारी जगहों पे जाना है, तो क्यों ना हम लोग आपको भी हमारे साथ लेके चलें, ओके, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। और इस साल जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, अक्टूबर से प्लान कर रहे हैं हम लोग। लास्ट वीडियो ने आपने देखा होगा कि वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अवर ट्रिप फ्रॉम चार धाम, ओके, जिसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं और मेरी वाइफ बहुत सारा रिसर्च कर चुके हैं इसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी है, और उसके बाद कुछ चीज़ों के ऊपर हमने प्लान किया है। और ये प्लान जो है ये शॉपिंग लिस्ट से शुरू होता है, तो मैंने एक वीडियो बनाना में भूल गया जो मेरा फर्स्ट एक्चुअली शॉपिंग लिस्ट थी, और वो थी मेरी जो कार है, आई गॉट अ होंडा वर्ना, और उसके टायर्स ख़राब हो गए थे काफ़ी सारे, ऑलरेडी 25-30,000 किलोमीटर्स हो चुके थे। तो मैं सोच रहा था कि 5,000 किलोमीटर्स टोटल होने वाला है पूना से केदारनाथ तक, तो आई शुड हैव अ गुड टायर्स। तो लास्ट मंथ मैंने इनफैक्ट 4 नए टायर्स गाड़ी के ऊपर गाड़ी को डाले हैं, फैंटास्टिक टायर्स। उसका वीडियो बनाना मैं एक्चुअली भूल गया, रह गया मुझसे, लेकिन मैं वो भी अपडेट करूंगा कि किस तरह के टायर्स मैंने गाड़ी में डाले, ताकि आगे चल के लॉन्ग ड्राइव के ऊपर मुझे कंफर्टेबल फील हो और बीच में धोखा ना दे टायर्स। उसके बाद जो लास्ट वीडियो हमने देखा, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अ गिम्बल, क्योंकि वीडियोस मैंने इसके पहले भी थोड़े बहुत निकाले थे जो फैमिलीज के वगैरह थे, लेकिन बहुत बार जब आप चलते हो तो बहुत कैमरा इधर उधर हिलता है, और जब वॉकिंग करते हो तो स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। तो आई थॉट कि जब लोग देखेंगे इसको तो ऐसा ना हो कि चक्कर आ जाए देखते देखते, तो वी थॉट कि वी शुड हैव अ गुड गिम्बल। तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, और ये वीडियो भी उसके साथ ही मैं अभी शूट कर रहा हूँ। एंड टुडे और एक सरप्राइज़ है, क्योंकि हम लोगों ने एक नई चीज़ खरीद के लेके आया है आज ही। वी एक्चुअली वेंट टू डी कैथलॉन, जो पूना में है कैंप में, एंड वहाँ से हम लोगों ने कुछ जैकेट्स खरीदे हैं। तो उन जैकेट्स के ऊपर आज हम लोग आपको बताने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत सारी लंबी है। इसेंशियल्स जो भी ज़रूरी है वही हम लोग खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं खरीद रहे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यस, गिम्बल बोल सकता हूँ मैं कि उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, बट फॉर यू गाइज हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, दैट्स वाई। इसको छोड़ के जो भी हम लोग खरीदने वाले हैं वो बहुत ही नेसेसरी है, और उसके बिना अगर आप ट्रिप के ऊपर जाते हो तो अनप्रिपेयर्ड हो गए, ओके, क्योंकि ऐसे एटमोसफेयर में, ऐसे क्लाइमेट में जब आप जाते हो, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने प्लान की है, क्या क्या खरीदना है, उसके वीडियोज़ अलग अलग मैं बनाता रहूँगा। और जब हम जाएंगे केदारनाथ या चार धाम की यात्रा जब शुरू होगी, तो राइट फ्रॉम पुणे पहला स्टॉप, सेकेंड स्टॉप, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ओके। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि जैकेट्स, तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि जैकेट्स कैसे है, क्या है। तो डी कैथलॉन से आज हमने शॉपिंग की है, अच्छा खासा खर्चा हो गया है। ओके, सो स्वाति है यहाँ पे, एंड इवन स्वाति के लिए हमने सेम जैकेट लिया है, SH 100 फ्रॉम डी कैथलॉन, केचवा ब्रांड का। और ओवर टू यू स्वाति। ओके, तो ये जो मैंने जैकेट लिया है, दिस इज SH 100, और इसको -10 degrees तक ये विथस्टैंड कर सकता है स्नो को, और 2 घंटे तक का रेनफॉल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसमें ये भीग भी जाता है तो। इसको एक अटैच कैप भी है इसमें दिया हुआ, एंड इट इज़ वेरी वार्म, मतलब मुझे अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हम लोग अभी पुणे में हैं तो यहाँ पे जस्ट अभी बारिश होके गया है, लेकिन टेम्परेचर बाहर प्लेजेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वार्म है, और इसमें बहुत मुझे अभी गर्मी हो रही है, तो ये डेफिनेटली स्नो में बहुत ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो शॉपिंग है वो किस तरह की है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, सो ये है वो जैकेट, ये जैकेट केचवा कंपनी का है, SH 100, ओके, SH 100 इसका नंबर है। हम लोग डी कैथलॉन शोरूम के अंदर गए थे, और मैनेजर से बात करने के बाद बहुत सारा नॉलेज उसने हमें दिया
कि किस तरह का जैकेट आपके पास होना चाहिए अलग अलग कंडीशंस के अंदर. ओके, तो हमने हमारी रिक्वायरमेंट उसको बताई तो ही टोल्ड अस कि ये आपके लिए परफेक्ट होगा. तो ये SH-100 है, ये मेरा है. ओके, और इसकी खासियत ये है कि ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये -10 degrees तक ये काम कर सकता है. और इसके ऊपर का जो लेयर है, अगर आप उसका लेयर देखोगे तो ये जो लेयर है ना, ये तकरीबन 2 घंटे का एब्सोल्युटली, अगर बारिश बहुत जोर से आ रहा है, एब्सोल्युट जोर से बारिश आ रहा है, तो 2 घंटे तक पानी अंदर नहीं आएगा. लेकिन 2 घंटे के ऊपर अगर आप बारिश आएगी तो फिर इसके अंदर पानी आने के चांसेस है, ऐसा उसने बताया. ओके, सो अभी मेरा मैं आपको पहन के दिखाता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लू कलर का है, एंड अगर मैं इसको एक साइज इसको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, उसका रीज़न ये है कि आप इसके अंदर काफ़ी सारे लेयर्स आएंगे. इसके अंदर जो लेयर्स आने वाले हैं, इसको भी अंदर एक टी शर्ट आएगा. ओके, चलने के टाइम जब आप ऊपर जाते हो तो बात अलग है, उसके लिए लेयर्स फिर अलग होते हैं. लेकिन जब आप ट्रेक करते हो तो अंदर एक टी शर्ट आएगा, उसके ऊपर एक फ्लीज आएगा. फ्लीज का शॉपिंग नेक्स्ट मंथ होने वाला है हमारा, और फ्लीज के ऊपर ये जैकेट आएगा. और इस जैकेट के ऊपर कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एज आई सेड -10 इज़ मोर देन इनफ फॉर अस. और इसके साथ नीचे ट्रैक पैंट आएगा, जो ट्रैकिंग का ट्रैक पैंट आएगा. ओके, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि नॉर्मल ट्रैक पैंट जो हम लोग स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं या एक्सरसाइज करने के टाइम पहनते हैं, तो वो ट्रैक पैंट आप अगर पहन के जाओगे, अगर बारिश नहीं तो बात अलग है, लेकिन अगर वो पहनने के बाद बारिश आती है और थोड़ा भी गीला होते हो आप, और ऐसे माहौल में जहाँ पे 2 degrees, 3 degrees, 4 degrees होगा टेम्परेचर, आपकी वाट लग जाएगी. ओके, और आप फिर चल नहीं पाओगे, आपको बहुत परेशानी होगी. तो एक ऐसा ट्रैक पैंट होना चाहिए जो अगर भीग भी जाए, वाटर रेजिस्टेंस हो उसको थोड़ा सा हो, और भीग भी जाए तो वो जल्दी से सूखे. तो वो भी हम लोग नेक्स्ट मंथ लेने वाले हैं, उसके ऊपर में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ. लेकिन ये अगेन एज आई सेड, इट इज़ थोड़ा सा लूज, एक साइज आपको बड़ा लेना है इसका, क्योंकि अंदर लेयर्स आएंगे. जब आप माउंटेन के ऊपर पहुँचोगे, कोई भी माउंटेन हो जहाँ पे 12-13,000 फीट के ऊपर जब आप जाओगे, तो ऊपर जाने के बाद आपका फिर अंदर के लेयर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे. ओके, वो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. बट दिस क्वाइट कम्फर्टेबल. इसको आप जो आपका स्लीव्स है इसको आप टाइट कर सकते हो. ओके, यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर, और यहाँ पे एक पॉकेट दिया गया है. ओके, जिसके अंदर आप मोबाइल रख सकते हो आपका. ओके, अंदर एक छोटा सा ये है जहाँ पे अगेन कुछ वैल्यूबल चीज़ें आप रख सकते हो सके तो. ट्रैक करने के टाइम आपको ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, उतना ही सामान लेके जाना है जितनी ज़रूरत है. बाकी सारा सामान आप नीचे रख सकते हो. ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग आपको बताने वाले हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप प्लान करोगे तो हो सकता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस देख के आप अपने ट्रिप के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें इम्प्रूव कर सकते. ओके, तो एज वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियोज, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को. बट वी वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन. आप लोगों को मज़ा आएगा. हम लोगों से अगर कुछ गलतियां भी होती है तो हमें माफ़ कर देना, बिकॉज वी आर ट्राइंग. हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि लोगों को मदद हो. हम जो करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, वही एक्सपीरियंस आपको हो, हमारे से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो. तो आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ओके, और ये भी मत भूलना बताना कमेंट्स में कि आपको किसका जैकेट ज्यादा अच्छा लगा, मेरा या प्रसाद का. क्योंकि मुझे तो उसका ज्यादा अच्छा लगा है. अंदर बहुत ब्राइट कलर्स है, मेरा सिर्फ एक डल ग्रे कलर, ब्लैक कलर है कॉम्बिनेशन. तो आप प्लीज कमेंट्स में बताना आपको कौन सा जैकेट ज्यादा अच्छा लगा. सी यू, एंड लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.